सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। खरीफ की मुख्य फसल धान का बीज मोहम्मदगंज प्रखंड के 2 पैक्स दुकानों पर उपलब्ध करा दिया गया और इसका वितरण भी किसानों के बीच प्रारंभ हो गया। सोमवार को पलामू जिले के मोहम्मदगंज बाजार स्थित ध्रुव शंकर सिंह एवं रविवार बाजार स्थित शिव नारायण मेहता के पैक्स दुकान से 60 किसानों के बीच 18 क्विंटल आर श्वेता धान का बीज का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेश कुमार एवं BTM आफ्ताब आलम की उपस्थिति में धान के बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया। BTM आफ्ताब आलम ने बताया कि प्रखंड के 8 पंचायतों के किसानों के लिए उक्त 2 पैक्स दुकानों में 12-12 क्विंटल धान का बीज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सोमवार को 18 क्विंटल धान का बीज का वितरण किया जा चुका है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेश कुमार ने कहा कि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा इस बीज पर 50% अनुदान दिया गया है। 17.75 रुपये प्रति किलो की दर से अनुदानित बीज का वितरण किया जा रहा है। बीज के लिए किसानों से बैंक खाता, आधार कार्ड और जमीन की रसीद की छाया प्रति लिया जा रहा है। BTM आफ्ताब आलम ने आगे कहा कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो जाने से किसान अपने खेतों में धान की रुपाई ससमय कर सकेंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद सिंह समेत काफ़ी संख्या में किसान मौजूद थे। मोहम्मदगंज से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट।